नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसीआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी एबीसीआर न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एबीसीआर न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबीसीआर की न्यूज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, खबरों की शुरुआत करने से पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में दिखा नशे और रफ्तार का कहर। कार चालक ने फुटपाथ पर सोए चार लोगों को रौंदा, एक की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने की बैठक। मंदिर निर्माण को लेकर शारदा पीठ के शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य आमने सामने। बच्चों के लिए आफत बने चमकी बुखार को लेकर हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना। बुखार से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिए गए विशेष निर्देश। राजस्थान के कोटा में 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान। मोबाइल में टिकटॉक और पबजी गेम खेलने का आदि था युवक। पंजाब के खन्ना में दोराहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 100 ग्राम हीरोइन समेत दो नाइजीरियन मूल के व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। तो चलिए, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नशे और तेज रफ्तार के कहर की, जो देखने को मिला दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में, जहां नशे में धुत एक कार चालक ने डिवाइडर पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया। इसमें गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय आरिफ नाम के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल 3 अन्य युवकों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जनकपुरी निवासी अभिषेक दत्त के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 और 304 के तहत केस दर्ज कर लिया है और उसकी होंडा सिटी कार को भी जब्त कर लिया है। आरोपी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के साउथ ईस्ट एशिया जोन का कंट्री मैनेजर है। सर, मैं वहाँ पे सो रहा था। सर, एक बैग गाड़ी वहाँ पे पटरी पे चढ़ी, सब बंदे खड़वा खड़ गए, टायर को फट गया, रिमो को खड़खड़ खड़खड़, बीच में गाड़ी कमाई है। सर, मैं वहाँ पे सोया, मैंने आवाज सुना, मैं भी उठ के देख रहा हूँ, इतने आवाज आ रही, भाई भाई अपने दबा दिया, मर गाड़ी यहाँ पे आके रुकी हुई अपना। तो हमारा लोगों के ऊपर कुचल दिया चढ़ा के गाड़ी। जी सर, चार लोगों को कुचल दिया। यहाँ से गाड़ी आई थी, यहाँ 4-5 लड़के लेटे हुए थे, सब बैठे हुए थे, आराम से लेटे हुए थे बेचारे सब। वो गाड़ी वहाँ से चढ़ी एकदम ऊपर, आदमी बिल्कुल पिया हुआ धूत था, नशे में एकदम। उस आदमी ने पूरी एक ही साथ चार लोगों पे गाड़ी चढ़ाई, जिसमें से एक तो वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के साधु संत और ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद की हरिद्वार में संपन्न हुई 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी निशाने पर रहे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य ने 2 टूक शब्दों में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर राम मंदिर के निर्माण पर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद के लोग पहले यह स्पष्ट करें कि वह भगवान राम को मनुष्य मानते हैं या भगवान मानते हैं। यदि वो भगवान मानते हैं तब तो मंदिर की बात है, अगर भगवान नहीं मानते तो मंदिर की बात उठाने का और कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के द्वारा संचालित है। ये पूज्य स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज एक बीच में टपक पड़े हैं। आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तब वे नहीं थे, कभी उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की, परंतु जब ये आंदोलन बढ़ा तो
चूंकि ये स्पष्ट रूप से सब जानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस की नीतियों का पालन करते हैं। तो वहीं चमकी बुखार ने बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह से कहर बरपाया है उसे देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, बाहर से आने वाले लोगों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसका पालन करते हुए बाहर से शहर में आए लोगों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। वहीं अस्पताल में भी विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसके बारे में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर साहू ने बताया कि उनके द्वारा शहर में इस पर निगाह बनाई जा रही है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो बिहार के अंदर इनक्लेफलाइटिस के जो केसेस हो गए हैं, बच्चों की डेथ्स हो रही हैं, उसके संदर्भ में हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी अलर्ट हो गया है और इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हम जो फीवर मास सर्वे करवा रहे हैं घरों में जा जाकर, जो हमारी एएनएम हैं, आशा वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कि किसी प्रकार का अगर कोई बच्चा तेज बुखार से दौरे से पीड़ित है तो उसका सर्वे किया जा रहा है घर घर जाकर। और जो हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो कोई बाहर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, किसी और स्टेट से भी आ रहा है, हम उसका भी सर्वे करवा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के कोटा में एक 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि युवक आनंदपुरा थाना क्षेत्र के केवल नहर का रहने वाला है, जिसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी परिजनों को लगने पर परिजन युवक को MBS अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर आनंदपुरा थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। मृतक युवक के भाई विक्रम ने बताया कि उनका भाई फर्स्ट ईयर का था, उसने कुछ समय से पढ़ाई छोड़ रखी थी। विक्रांत पूरा समय मोबाइल में पबजी और टिकटॉक गेम खेलता रहता था। रात को सभी ने साथ में खाना खाया, जिसके बाद विक्रांत अपने कमरे में सोने चला गया। देर रात को परिजनों ने जब उसके कमरे में जाकर देखा तो विक्रांत फांसी के फंदे पर झूलता दिखा। हाथ लगा मेरा, हाथ डाला तो गले में 4-5 बलबट्टे लग रहे थे। और निकाली जब जाकर मैंने मुँह से उसकी चेन निकाली है, जब जाकर चेन छोड़ी नीचे, जब जाकर मेरा बच्चा जब नीचे गिरा, नीचे गिरा तो उसको निकाल के बाहर आया, जब जाकर मैंने उसकी चेन खोली 4-5, सीधा आरिफ डॉक्टर के लेके गया। आरिफ डॉक्टर ने सीधा थोड़ा बहुत इलाज देखा उसका, हाथ हाथ जवाब दे दिया। उसके बाद आरिफ डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हारा संतुष्टि हो रही हो ठीक है, नहीं हो रही हो सीधा सुधा हॉस्पिटल में लेके जाओ। चलिए बात करते हैं पंजाब के खन्ना की, जहां पुलिस ने नाइजीरिया के रहने वाले दो युवकों को 100 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई है। इस बारे में जानकारी देते हुए खन्ना के SP जसपीर सिंह ने मीडिया को बताया कि दोरा बस स्टैंड के नजदीक हाईटेक नाके के SHO मनप्रीत सिंह ने दो दिल्ली से आए नाइजीरियन व्यक्तियों को 100 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी फिलहाल दिल्ली में रह रहे थे। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ SHO ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਹ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਦੇਹਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਕਿਲੋ ਡੀਫੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। तो वहीं खुले बोरवेल और गड्ढों को बंद करने में लगातार प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मासूम बच्चों को अपनी जिंदगी देकर। इसी को देखते हुए टोहाना प्रशासन अब सतर्क हो गया है, कड़े कदम उठाते हुए खुले बोरवेल को बंद करने के लिए अभियान प्रशासन ने छेड़ दिया है।
इस समस्या को अपने कार्य क्षेत्र में जड़ से समाप्त करते हुए पेयजल जन स्वास्थ्य ने अपने बेकार पड़े बोरवेल को मजबूती से बंद करने का अभियान छेड़ दिया है। इसमें उनके द्वारा बंद पड़े बोरवेल को वेल्डिंग से मजबूती से बंद किया जा रहा है ताकि इसके बाद किसी तरह की कोई अनहोनी की गुंजाइश ना उपजे। इस बारे में जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य इंजीनियर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदर्श सिंगला ने बताया कि अब तक हमने 16 बोरवेल चेक कर उन्हें बंद कर दिया है जो कि पहले से बंद थे और फिर भी कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए उन्हें वेल्ड कर बंद किया गया है। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी लगभग आज तक अभी तक 16 बोरवेल चेक किए हैं जो लगभग प्लग थे, लेकिन एहतियात के तौर पे हमने उनकी दोबारा से एक बार और अच्छी तरह से वेल्डिंग करवा दी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो। तो चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कहाँ टूटा किसानों के सब्र का बांध। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था किसानों का जिनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। हरियाणा के जुलाना के जफरगढ़ में बीते कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब थक हार के किसानों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि जुलाना क्षेत्र के किसान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे किसानों ने अब परेशान होकर आखिरकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सामूहिक आत्महत्या की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। ये जो नेशनल हाईवे 152 डी हरियाणा के 8 जिलों से गुजर रहा है, इसमें 7 गांव जुलाना जींद तहसील के और 17 गांव दादरी जिले के, इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। पिछले 6 महीने से सड़क पर आंदोलन लड़ रहे हैं और सरकार ने अभी कई दिन पहले 12 तारीख को नितिन गडकरी जी के यहाँ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और सभी अधिकारी शामिल थे, हमारे अवार्ड को संशोधन करके और मुआवजा बढ़ाने का वादा किया था। आज हीरिंग के लिए हमारे जींद जिले के उपायुक्त ने बुलाया, लेकिन हमें लगता है कि सरकार अभी तक इस मामले को आगे बढ़ाती जा रही है। बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है तो वहीं हरियाणा के टोहाना में मच्छरों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि टोहाना में मच्छरों को देखते हुए एक बैठक बुलाई गई।
इस बैठक में शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने शिरकत की। बैठक को संबोधित करते हुए सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सिंह सागू ने कहा कि इस मौसम में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि जहां इस महीने में शहर में बाहर से कामगार का आना होता है, वहीं इसी समय में मच्छर भी भयंकर रूप से पैदा होते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को अपने इलाके में प्रत्येक घर में जाकर डेंगू, मलेरिया व अन्य बुखार की जानकारी तुरंत लेकर विभाग को सूचित करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मौसम में मच्छरों से निपटने के लिए फॉगिंग के लिए नगर परिषद को भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये हमारी रूटीन जो हमारी वर्कर्स हैं, एएनएम हैं और हमारे मल्टीपर्पज हेल्पर, उनकी मीटिंग बुलाई थी कि जो बरसात का समय है और इसके अंदर जो मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, उसको ही रोकथाम के लिए हमने जो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। और जो एएनएम्स हैं हमारी घर घर जाकर ये फीवर मास सर्वे करेंगी, जहाँ पर ये पता करेंगे कि किसी प्रकार का कोई बुखार का केस तो नहीं है। और कूलरों में जैसे पानी है और जैसे हैंड हाइजीन है उसके बारे में बताएंगी, और जो गलियों के अंदर जैसे पानी खड़ा होता है उसके अंदर कि किसी प्रकार का लार्वा ना मिले, इसको ये सुनिश्चित करेंगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के बीचों बीच से निकलने वाली सहारनपुर से कैथल हिसार जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके चलते आए दिन यहां सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। इस सड़क में इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी भी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें सड़क की खराब हालत के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज से 5 साल पहले विकास के लिए सड़कों को चुना गया था, मगर इस सड़क में अभी तक कोई विकास नहीं किया गया, ना इस सड़क को सही करते। जगह जगह आप देखेंगे खड्डे पे खड्डे हैं, पूरे लात हो रहे, रोज एक्सीडेंट के केस मिलते हैं। हॉस्पिटल में जब एक्सीडेंट की मीडिया में वहाँ पर कितनी लाइन लगी रहती है। विकास के इतनी बार कह दिया, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हिसार तक 6-7 तक निकलती है ये सड़क, यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक भी रहता है, लेकिन यहाँ के सड़कों का हाल आप देखो, गाँव से बेहतर नहीं हो सकता, गाँव जैसा हाल होगा, बिल्कुल टूटी खड्डे के घुटते रहते हैं सड़क पे। मामूली सी बरसात आ जाए तो आप पानी देखने लायक हो जाओगे, 3 दिन पानी नहीं सूखता यहाँ पे। बात कोटा की, जहां से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स सेटलमेंट के लिए ये रिश्वत मांगी गई, जहां ITB ने 50,000 रुपए का चेक बिना नाम के लिया। कोटा ACB ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा इनकम टैक्स कमिश्नर के दलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। चेक हमने इसको अमाउंट भर के दिया था और नाम भरने के लिए मना किया था कि किसी का नाम भरना अकाउंट पे या फिर कैश अकाउंट पे, और नाम भरने से मना किया था। केवल 50,000 का चेक भर के ये साइन करके दे दो, आप तो हमें वो चेक देना है। लगभग 57 लाख रुपए थी, इसकी अपील अपील अधिकारी श्री अमरीश बेदी CIT अपील्स के बाद चल रही थी। वो अपील का फैसला विधिवत परिवादी के पक्ष में करने के लिए अमरीश बेदी ने VK जैन मरवाहा, जो एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, के माध्यम से 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मोगा के रेडवा के सरपंच ने नशे के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। बस फिर क्या था, नशेड़ियों ने सरपंच पर ही धावा बोल दिया। आपको बता दें कि गांव के सरपंच बलबीर सिंह ने पंचायत के साथ मिलकर नशे पर रोक लगाने और गांव को नशा रहित करने के लिए प्रस्ताव पास किया कि गांव का कोई भी आदमी नशा नहीं करेगा और ना ही कोई बेचेगा। लेकिन कुछ लोगों को सरपंच के बाद हजम नहीं हुई, उन्होंने सरपंच के घर हल्ला बोल दिया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। मैं मौके पर मौजूद सीगा, अचानक ब्रेफ से तुहानू सारी कहानी दस दें कि हुई। साढ़े पिंड दे विच चिट्टे दा व्यापार जी बहुत ने, इहदे नाल जिहड़े इहनू कर रहे ने चिट्टे दा सेवन कर रहे ने वह भी बहुत ज़्यादा ने। सारी पंचायत ने साढ़े 7 तरीक तो लैके हुण तां 20 तरीक हो गई, मेरे 13 दिन होए, 3 डैथां हो चुकियां ने।
एक 7, 12 और 14 एक असी संबंध में 8 बंदे खिलाफ केस रजिस्टर कर दिता 2 बंदे फड़दे आ दूजे की भाल कर रहे हैं उन्होंने भी फड़ के रैसट पा के अंदर भेज ये पिंड की पंचायत ने एक मता पाया से इन्हों के पहला तो इतने कोई चिट्टे का कोई कारोबार करते बंदे उन्होंने खिलाफ उन्होंने मता पाया से पिंड की पंचायत ने भी ये जवानी का नुकसान हो रहा आप हर हंबला मार के पिंड चिट्टा खत्म करिए बच्चे है जोड़े इस तरह का कारो नशा करते हैं पीते है उन्होंने हटाइए तो नशा वेचने वाले के खिलाफ आप पुलिस को सलाह देकर कार्रवाई कराइए। तो वहीं कोटा सहित हड़ौती के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एआरएन ग्रुप ने पहल की है। आपको बता दें कि एआरएन ग्रुप की ओर से कोटा समेत 12 बूंदी और झालावाड़ के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रुप की ओर से 1 जुलाई को मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें होटल, फार्म हाउस, वाटर पार्क, मैरिज गार्डन के साथ ही हड़ौती के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। एआरएन ग्रुप के प्रबंध निदेशक नीरज त्रिवेदी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि शीघ्र ही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही कोटा के पर्यटन स्थलों से देशी विदेशी पर्यटकों को हड़ौती की ओर से मोड़ने के लिए एआरएन ग्रुप ने नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सभी जानकारी के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। तो वहाँ एक बहुत अच्छा फील था, मैं बहुत टाइम से सोची थी कि इस तरीके का कुछ भी करना चाहिए, तो एक अच्छा मौका मुझे मिला और हमने ट्रॉपिकल रिसॉर्ट के साथ हमने इसको कलेक्शन को लॉन्च किया। तो डेफिनेटली लोग आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। मैं पूजा राजन। तो वहीं अमृतसर में कॉल सेंटर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल ये सभी कर्मचारी सैलरी कटौती को लेकर परेशान हैं। अमृतसर के थाना चेहरटा के इलाका खंडवाला में संधू कॉलोनी के पास एक कॉल सेंटर के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी कंपनी की ओर से सैलरी कटौती को लेकर परेशान हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कंपनी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, बिना वजह के उनकी सैलरी में कटौती की जाती है। अभी तक कुछ नहीं पता, इन्होंने हाईवे रोकया से, इन्होंने मैं ये गल अवेयर किया कि हाईवे नहीं तुम रोक सकते, जे तुम उन्होंने प्रॉब्लम है उन्होंने बैठ के सॉल्व करो, नहीं करेंगे जी खिलाफ जेदे खिलाफ कोई कार्रवाई बनती कार्रवाई कर देना। सर हर मैडम हर साल की तरह इदा ही होंगे बच्चों का? आई डोंट नो, मैनू तो अज पता लगा ना कि इन्हों का की हों, बच्चे दसन, इन्हों दसना चाहिए किसी को, इन्हों का कोई बंदा आके किसी उन्होंने खिलाफ कंप्लेट करे, उन्होंने कोई पूछे। हाईवे रोकना तो कोई इलाज नहीं ना है। मैडम इतने 3 साल हो चुके हुए जॉब करते हैं और संधू टावर कंपनी टैक इंडिया अमृतसर में, और प्रॉब्लम यही आती भी है कि रैप टाइम का भी बड़ा इन्होंने सू मुश्किल मतलब कि सू ना कोई सह लैन का भी नहीं, सू इन्ना टाइम दे रहे हैं कि किसी गलबात कोई भी नहीं, सैलरी इशू भी सवेरे शिफ्ट होंगी है, सवेरे साड़ी शिफ्ट होंगी है 9:30 तो 5:30 तक, ओवर टाइम भी कुछ कल तो इन्होंने इन्ना इशू क्रिएट कर दिता हुआ वा, और सैलरी भी साड़ी पूरी 8,000 हैगी सी। तो वहीं कोटा के इटावा क्षेत्र से एक महिला द्वारा बच्चे को एम्बुलेंस में जन्म देने का मामला सामने आया है, जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस देरी से आने की वजह से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और रास्ते में एम्बुलेंस में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। परेशानी बहुत परेशानी आई, 12 बजे तो मैंने फोन करो 104 पे 104 कोटा बोली, तो भाई 3-4 घंटे लगा था ना, अभी यह गाड़ी से 3 बजे जा पहुँची जी, गेला में घोषणा कर टोड़ी खेल गया, बीच में डिलीवरी हुई बहुत कठिन डिलीवरी हुई समझो 3 बजे, और पेड डिलीवरी केस था, पेड डिलीवरी केस था और रस्ते में हुआ प्रसव, जटिल प्रसव हुआ था और थोड़ी परेशानी सहन करनी पड़ी। हमारे लिए क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है 104 के पायलट के लिए ऐसी परेशानियों से जूझने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक,
यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में एक महीने बाद भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। इलाके में हिंसक परिस्थिति को देखते हुए यहां जगदल थाने को तोड़कर भाटपाड़ा थाने की स्थापना की गई। उसके ठीक पहले इलाके में व्यापक बमबारी और गोलीबारी हुई। बमबारी की चपेट में आने से एक 17 साल के युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। किशोर का नाम राम बाबू साव है और दो गुटों के बीच हो रही बमबारी और गोलीबारी की चपेट में आने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और मृतक की पहचान 45 वर्षीय धर्मवीर साव के रूप में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र के गांव डोडाखेड़ी में राजीव कुमार नामक एक शख्स की बीते दिनों नहर में डूबने से मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले पर परिजनों का हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल परिजनों ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में परिजनों ने गांव के ही तीन अन्य युवाओं पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच CIA से करवाने की मांग को लेकर परिजनों ने SP कार्यालय पर प्रदर्शन किया और SP को शिकायत सौंपी। मेरे लड़के को जी घर से ले गए, तीन लड़के प्रिंस, अभिषेक, एक चल और ले जाके नहर में तक चले गए और आप वहाँ से भाग गए। तो कब की बात है जी ये? 10/6/2019। राजकुमार नाम व्यक्ति आरोप डोडाखेड़ी था, उसने एक अपने बच्चे की मिसिंग होने की दरखास्त दी थी, जिस पर पर्चा उसी दिन दर्ज कर दिया गया था। जो बाद में जाँच में सामने आया कि ये चार लड़के जो तीन डोडाखेड़ी के थे जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और एक करनाल से एक लड़का था जो यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था डोडाखेड़ी, तो वो भी इन्हीं की उम्र का है, 16-17 साल का। तो ये नहाने के लिए वहाँ पंचगावा नहर के पास भाखड़ा नहर में नहाने के लिए गए हुए थे, जिनमें से एक लड़का राजीव वहाँ डूब गया था, जिसको वहाँ मौके पर डबखेड़ी के दो लड़के जो नरेगा में काम करते हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी। बात करेंगे अमृतसर की वेरका की, जहां आसमानी बिजली गिरने से घर की छत टूट गई। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे दंपत्ति इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि छत के मलबे में दबकर महिला की टांग टूट गई। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बारिश हुई ना छत पे भी गिरा, मैं तो मेरे हस्बैंड अंदर ही, तो मेरे छोटा पति मेरे ना सट छूट काफ़ी लगी है मेरे लक बिच, काफ़ी लगी है मेरे लक बिच, गोडे ते मेरे ना पैर बिच सट लगी बहुत ज़्यादा। बात करते हैं अब कोटा के बोरखेड़ा की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कोटा के बोरखेड़ा इलाके में फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं ट्रेन से व्यक्ति के कटने की सूचना पर बोरखेड़ा फ्लाईओवर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची बोरखेड़ा पुलिस ने शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी एबी स्टार न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एबी स्टार न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबी स्टार की न्यूज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।